हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डी प्लैनेट रिएक्ट्स। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, यहाँ भी होंगे। तो जैसे कि आज हम एक काफ़ी अलग ट्रेलर पे रिएक्ट करने वाले हैं। मूवी का नाम है बेल बॉटम, जो अक्षय कुमार सर है उसमें, लारा दत्ता एक काफ़ी अलग सी भूमिका में है। उसके बाद देखते हैं, मतलब ट्रेलर पहले देख लेते हैं, देन उसके बाद ही रिएक्ट करते हैं, राइट? तो चलो ट्रेलर करते हैं स्टार्ट। अगर सबसे पहले आप चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक बिल्कुल ज़रूर कर बिल्कुल दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करना, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी करना। इंस्टाग्राम की लिंक और ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं, एक सोच है, और इस सोच को हराने के लिए दुश्मन हर पैंतरा इस्तेमाल करना चाहता है। मैडम, हाईजैकर्स ने प्लेन अमृतसर में लैंड किया है। कॉल काओ, ये पिछले 5 साल में 7 ही हाईजैकिंग है। व्हाट हैव वी डन टू स्टॉप इट? एक इंसान है जो इस केस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन दे सकता है। व्हाट इज हिज नेम? ओके, आई अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल। What is his code name? Bell Bottom. शादीशुदा, शार्प मेमोरी, नेशनल लेवल चेस प्लेयर, यूपीएससी दिया है, गाना सिखाता है, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच बोल और लिख लेता है। ये ले पहुंच। पिछवाड़े का वेलक्रो बन जाए। तो बताइए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? They are the mastermind behind this hijacking. While we wait for the Pakistani diplomats and intel officers, रॉ ऑपरेशन की तैयारी करें। मैम, अब बचे हुए फ्यूल से ये लोग मिड ईस्ट के 3 पॉसिबल डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, दुबई, अबू धाबी एंड मस्कट। हमारे पास मौका है वो कर दिखाने का जो अब तक हुआ नहीं। क्या कर सकते? A covert operation. Your deadline is sunset. Kya socha? Game on. Main embassy ke kaam se bahar ja raha hu. Kahan? Kochi. No pause, no hesitation. Matlab sach bol rahe ho? Ya fir jhoot bolne mein mahir ho gaya hu? I love you. Hamari team refueling crew bankar plane ke refueling duct pahunch jayegi. Aur agar plan A fail ho gaya, is there a plan B? Yes. Army. Indian Army Dubai mein ya kisi bhi foreign soil mein it considered an act of war. मिनिस्ट्री को हैंडल करने दीजिए। सर, चेस में डबल्स नहीं खेला जाता। हमारा मकसद है 210 हॉस्टेजेस को बचाना और टारगेट है 4 हाईजैकर्स। दुबई में एक सपोर्ट ग्रुप है जो हमारी मदद करेगी। कोई भी हरकत करने से पहले सोच लेना, गार्ड सिक्योरिटी हर जगह मौजूद है। याद रहे, हमारे पास सिर्फ 7 घंटे। अब हिंदुस्तान नहीं झुकेगा। हारते बहुत हैं यार ये लोग, इस बार उनकी हार। सर, शायद ऐसा हो कि सबको लगे कि मिशन फेल हो गया, बस आप इतना याद रखना, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। क्या कहना चाहोगे इस पे? ये मूवी लगता है प्लेन हाईजैक। हाँ हाँ, 1984 में जो इवेंट हुआ था कि इंडिया का जो एक प्लेन हाईजैक हुआ था, और वो जो दुबई के थ्रू शायद अफगानिस्तान गया था, शायद उसी इवेंट पे। तो आपको अगर इस बारे में अगर ज़्यादा कुछ अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि मतलब ये उसी शायद इवेंट पे है। और बाकी जैसे कहा जाए कि
लारा दत्ता का मेकअप क्या किया था यार, मतलब इंदिरा गांधी के रोल में अभी तक का मैंने वन ऑफ द बेस्ट मेकअप देखा है। हाँ लारा दत्ता है वो, और बहुत ही जबरदस्त मेकअप किया था उसका, और म्यूजिक भी काफी अच्छा है, ट्रेलर भी काफी इम्प्रेसिव है, थोड़ा सा कुछ लग रहा है कुछ अलग है। और जैसे मतलब है अक्षय कुमार जी का कि उनकी जो भी मूवीज आती है जो कंट्री पे बेस्ड होती है, इंडिया पे बेस्ड होती है, वो काफ़ी तगड़ी और बढ़िया होती है। जैसे बेबी भी एक थी, स्पेशल 26 भी एक बहुत बढ़िया फिल्म थी, और ऐसी बहुत सी मूवीज़ हैं, तो शायद ये भी एक ब्लॉकबस्टर हो, क्या लगता है तुम्हें? होगी, है ना, ब्लॉकबस्टर देख के लग रहा है कि मूवी अच्छी होगी। अच्छी होगी बिल्कुल। आपकी क्या राय है आप भी हमें बताइए, अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।